दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी रातों रात स्टार बना देता है बिना उसके कुछ टैलेंट का। कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में कई लोग रातों रात फेमस हुए हैं। फेमस हुए लोगों में से कुछ लोगों का पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है और आज भी अपने लाइफ में काफी कुछ बड़ा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग फेमस होने का तो हो गए, लेकिन इनका ये सेलिब्रिटी वाला फीलिंग बस सिर्फ चंद दिनों के लिए ही रहा और आज वो ऐसे गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं जिनको अब कोई नहीं जानता। सो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 7 लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो रातों रात स्टार बन गए, लेकिन अब वो ऐसे गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं कि उनको फिर से दोबारा रोशनी नसीब ही नहीं हुआ। सो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। सो नंबर 7 पर है सहदेव दिर्दो। सहदेव के बचपन का प्यार वाला गाना तो आप सबने अच्छी तरह से सुना होगा और सुनेंगे भी क्यों ना, क्योंकि इनका यह गाना पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में जो था। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सहदेव के इस कुछ सेकंड के गानों ने इनको इंडिया के काफी जाने माने सेलिब्रिटी बना दिया था। हर जगह पे हर किसी के फोन में ये गाना काफी सुनने को मिल रहा था। स्कूल के टाइम में सहदेव ने इस गाने को अपने टीचर को सुनाया और टीचर को यह गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए और देखते ही देखते इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गया। जिसके बाद इनके ऊपर नजर रैपर और सिंगर बादशाह का पड़ा तो सहदेव को इस गाने में काम करने का मौका दिए। जब ये गाना शूट होकर रिलीज हुआ तब तक सहदेव इंडिया के काफी बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे, लेकिन इस सॉन्ग को करने के बाद इनको दोबारा फिर से किसी और भी गानों में काम करने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा सहदेव को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, हुआ तो सिर्फ बादशाह का, जो इस गाने से काफी अच्छी खासी मोटी रुपए कमा लिए और आज भी सहदेव अपने पुराने टूटी फूटी मकान में रह रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 6, प्रिया प्रकाश वारियर। दोस्तों वो समय फरवरी 2018 का था जब प्रिया प्रकाश अपने एक मलयालम फिल्म ओरुवादार लव के गाने से फेमस हो गई थी। छोटी सी क्लिप ने इनको भारत के साथ साथ बाकी के भी कई देशों में काफी प्रसिद्धि दिलाई थी। दरअसल प्रिया प्रकाश अपने इस वीडियो में आईब्रो आंख मारने की वजह से ही काफी फेमस हुई थी। ऐसे इनका आईब्रो ऊपर नीचे करना और आंख मारना कई लोगों के दिलों की धड़कन का रफ्तार दुगना कर दी थी, जिससे कि लोग इनके इस वीडियो को देखना काफी पसंद कर रहे थे और ये देखते देखते उस समय काफी तेजी से फेमस हो गई थी। लेकिन अभी ये कहाँ है कोई नहीं जानता। आज भी मलयालम फिल्म में काम करती है, लेकिन शायद से अब आप इनको देखेंगे तो पहचान पाएंगे। नंबर 5, जोमैटो वायरल बॉय सोनू। जी हाँ दोस्तों, शायद से आप इनको भूल गए होंगे। उस समय फरवरी 2020 का था जब ये सोशल मीडिया पर फेमस हुए थे। दरअसल सोनू से इस वीडियो में किसी ने जोमैटो के बारे में इनसे काफी चीजें पूछी और सोनू ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर अपने इस मुस्कुराते हुए चेहरे से दिए, जिस वजह से लोगों को इनका ऐसे मुस्कुराना इतना अच्छा लगा कि लोगों ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया और देखते ही देखते सोनू रातों रात सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गए थे। चलिए सबसे पहले हम आपको इनका ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। तो भैया आप जोमैटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 350 डेली का इंसेंटिव लगा के। और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। हैं? 12 घंटे। 12 घंटे आप काम करते हो, 350 मिलते हैं बस। और कुछ खाने को मिल जाता है कंपनी से? हाँ, जो ऑर्डर कैंसिल हो जाए बटन चिकन का हो जाएगा अपना। दोस्तों इस छोटी सी क्लिप ने सोनू को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था और हर जगह सिर्फ इनके ही चर्चे थे। लेकिन आपको बता दे कि जिस तरह से रातों रात फेमस हुए थे उसी तरह से अब ये गुमनामी के अंधेरे में भी खो गए हैं और शायद से आपके फूड ऑर्डर का डिलीवरी ये करने आए तो आप इनको पहचान भी नहीं पाएंगे। नंबर 4, रानू मंडल। जी हाँ दोस्तों, रानू मंडल को भला आप कैसे भूल सकते हैं, बट घबराइए नहीं, कुछ साल बाद आप इनको भी औरों के तरह भूल जाएंगे। खैर छोड़ो, आपको बता दे कि रानू मंडल कोलकाता के किसी स्टेशन पर भीख मांगा करती थी और ये भीख मांगते हुए कई तरह के गाना गाती थी। एक दिन ये लता मंगेशकर के प्यार का नगमा गाना गा रही थी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी है।
जब ये गाना गा रही थी तब उसी दौरान किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और लोगों को इनका आवाज काफी अच्छा लगा, जिससे कि लोग इनके वीडियो को शेयर करना थक नहीं रहे थे। जिसके बाद बॉलीवुड के जाने माने सिंगर एंड एक्टर हिमेश रेशमिया का नजर इनके ऊपर पड़ा तो उन्होंने अपने फिल्म का एक सॉन्ग तेरी मेरी कहानी गानों में काम करने का मौका दिया। उसके बाद जैसे इनको थोड़ा पॉपुलैरिटी मिली, ये लगी अपना एटीट्यूड दिखाने। इनको कई वीडियो में लोगों से घमंड में बात करते हुए देखा गया, जिसके बाद लोगों ने इनको पसंद करना छोड़ दिया और अनु मंडल जिस जगह से पहले आई थी अब वहीं पे जाकर फिर से बैठ गई है। नंबर 3, रॉकी सुपरस्टार। दोस्तों वो समय नवंबर 2018 का था जब ये टिकटॉक के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया पर अपने इसका तेलाना अंदाज और फनी बातों से लोगों को अपना दीवाना बना लिए थे। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा। है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। वो बोलती है मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगी। यार मैंने आज उसका नाम फेसबुक पे सर्च किया, 2000 से भी ज्यादा लड़कियां उसकी जैसी मिल गई। रॉकी सुपरस्टार उस समय सोशल मीडिया पर अपने इन सभी वीडियो के कारण काफी चर्चा में रहते थे। हर लोग इनके वीडियो को देखना काफी पसंद करते थे, लेकिन अब ये कहाँ है कोई नहीं जानता। लोगों ने धीरे धीरे इनको पसंद करना छोड़ दिए और आज सोशल मीडिया पर भी उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, जिससे कि ये अब लोगों के नजर से दूर हो चुके हैं। यार ये अरेंज मैरिज वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, नहीं तो हम जैसे लड़के तो सिंगल ही मर जाते। नंबर 2, बाबा का ढाबा। जी हाँ, बाबा का ढाबा वाले इस दादाजी को तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। उस समय अक्टूबर 2020 का था जब यूट्यूबर एंड फूड ब्लॉगर गौरव वास्ते ने इनका ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल स्वाद ऑफिशियल पर अपलोड किए थे। तब लोगों ने बाबा के ढाबा को काफी मदद की थी और ये रातों रात काफी फेमस भी हो गए थे। दरअसल ये दिन भर में इतना काम करने के बावजूद भी मुश्किल से 500 रुपए कमा पाते थे। गौरव वास्ते ने उनको देखा तो काफी दया आया और उन्होंने काफी मदद की और चैरिटी भी काफी जमा किए थे। लेकिन बाबा के ढाबा के हाथ में थोड़ा पैसा आया क्या कि ये लगे अपना औकात दिखाने और उल्टा गौरव पे आरोप भी लगाए, जिसके बाद लोगों ने इनको पसंद करना बंद कर दिए और अभी ऐसे गुमनामी के अंधेरे में छुप गए कि शायद से अब इनको उजाला मिलेगी। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 1 की। सो नंबर 1 पर है कच्चा बादाम वाले भुवन बाद्याकड़। भुवन वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव कुरलागुड़ी से बिलोंग करते हैं। ये अपना रोजी रोटी चलाने के लिए गांव में घूम घूम कर कच्चा बादाम यानी कि मूंगफली बेचा करते थे और बेचते समय अपने इस गाने को काफी गाते थे। चलिए सबसे पहले हम आपको इनका ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। बादाम बादाम है दादा का चाहा बादाम। दोस्तों एक दिन मूंगफली बेचते समय ये गाना गा रहे थे तब किसी ने इनके इस गाने को गाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद इनका ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि इंडिया के हर एक बच्चे से लेकर बड़ों तक इनके इस वीडियो को देखना खूब पसंद कर रहे थे, चाहे किसी को इनका गाना समझ में आया ना आए। उसके बाद भुवन बोलने लगे कि हम एक सेलिब्रिटी हो गए हैं और अब से कच्चा बादाम यानी कि मूंगफली नहीं बेचेंगे और इनको कई गानों में काम करने का मौका भी मिला था। लेकिन फिर से भुवन जहाँ से फेमस हुए थे आज वहीं पे आ गए हैं और आज भी ये गाँव में घूम घूम कर मूंगफली बेचते हैं। सो दोस्तों यही थे रातों रात फेमस होने वाले 8 लोग जो आज गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं और जहां से फेमस हुए थे फिर से वहीं पर आ गए हैं। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।